भारत ने कर डाली सबकी बोलती बंद, बना डाला उस तुर्की के ड्रोन से भी खतरनाक हथियार, जिसने यूक्रेन जंग में पलट दिया युद्ध का माहौल। भारत ने तैयार किया वो अमोघ मानव रहित विमान जो ना रूस के पास है और ना ही चीन के पास। दोस्तों, यूक्रेन जंग को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जंग चल रही है। इसका कारण है कि यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और तुर्की जैसे देशों से सीक्रेटली खतरनाक हथियार मिल रहे हैं, जिसके कारण यूक्रेन रूस का काफी नुकसान कर चुका है और कर भी रहा है। दोस्तों, उदाहरण के लिए यूक्रेन के पास तुर्की का दिया हुआ खतरनाक बायरक्तार TB2 ड्रोन है, जो रूस के टैंकों का काल बना हुआ है। कुछ ही समय पहले भारत ने भी तुर्की से इस ड्रोन को देने के लिए डील करने के प्रयास किए थे, लेकिन तुर्की ने भारत को इस ड्रोन को देने से साफ साफ मना कर दिया था। और उल्टा तुर्की ने ऐसा किया कि पाकिस्तान को ये ड्रोन देने का फैसला कर भारत को चिढ़ाने की कोशिश की। दोस्तों, ये भारत के लिए एक चुनौती थी, और इसके बाद भारत ने खुद ही तुर्की के बायरक्तार TB2 ड्रोन से भी खतरनाक ड्रोन बनाने का प्लान तैयार कर लिया। और दोस्तों, आज इस अमोघ हथियार का भारत ने सफल टेस्ट कर डाला, जिसे देख तुर्की ने अपना सिर पकड़ लिया है। तो वहीं अमेरिका, यहां तक कि रूस भी हैरान है। भारत ने दिखाई स्वदेशी ड्रोन की ताकत, तपस की तपिश से जल उठेंगे देश के दुश्मन। दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने अपने दुश्मनों को स्वदेशी तकनीक की ताकत दिखाई है, और DRDO के खाते में एक और कामयाबी आ गई है, और कामयाबी स्वदेशी ड्रोन तपस से जुड़ी है। दरअसल तपस ने 18 घंटे का फ्लाइट टेस्ट पास कर लिया है, मतलब बिना रुके तपस ने 18 घंटे की उड़ान भरी। बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया तपस UAV ने 18 घंटे की उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक पास कर लिया। ADE DRDO के तहत एक प्रमुख रिसर्च लेबोरेटरी है। DRDO ने एक बयान बताया कि इस परीक्षण को बुधवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित विमान है। एयरक्राफ्ट आगामी बिना पायलट के चलने वाले विमानों के डेवलपमेंट की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जरूरी कदम है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत के हथियार की ताकत। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए ड्रोन, मिसाइल समेत अत्याधुनिक प्रणाली को विकसित कर रहा है। इसी कड़ी में तपस का नाम भी शामिल है। तपस एक अत्याधुनिक मानव रहित विमान है। इसे भारत के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया है। तपस BH-201 ने साल 2016 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर चलकेरे में पहली उड़ान भरी थी। क्या है तपस ड्रोन की खासियतें? तपस BH-201 ड्रोन 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। तपस BH-201 9.5 मीटर लंबा और 20.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 1800 किलोग्राम है। तपस ड्रोन में DRDO के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के बनाए स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक इंजन 130 किलोवाट या 180 हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर के रेंज में निगरानी और हमला कर सकता है। तपस 224 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। तपस 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे टिका भी रह सकता है। तपस की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। तपस विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से लगभग 8 गुना सस्ता भी है। भारतीय ड्रोन तपस BH-201 तुर्की के TB2 ड्रोन से न सिर्फ लंबाई में बड़ा है, बल्कि स्पीड में भी तेज है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों तक भारत ड्रोन निर्माण में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चीन से ही भारत की अधिकतम सप्लाई हो रही थी, लेकिन पिछले 3 सालों में ही काफी फर्क देखने को मिला है। 3 सालों के अंदर भारत की ड्रोन इंडस्ट्री 80 करोड़ से 900 करोड़ तक पहुंच गई है। स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने भी 8 अगस्त 2022 को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हिम ड्रोनाथोन प्रोग्राम को लॉन्च किया। इंडियन आर्मी की ये पहल रक्षा उपकरणों के निर्माण में मेक इन इंडिया का विस्तार करने के लिए है। इससे भारतीय ड्रोन इकोसिस्टम के लिए मौके बढ़ेंगे। भारतीय आर्मी के इस प्रोग्राम के लॉन्च के बाद भारत ने अमेरिका के साथ उस ड्रोन की डील को भी स्थगित कर दिया, जिसमें US की ओर से 30 एडवांस फीचर्स से लैस ड्रोन भारत भेजे जाने थे। ये डील करीब $3 बिलियन पहुंच सकती थी, जो एक महंगा सौदा है। भारत की बात करें तो पिछले कुछ सालों तक भारत ड्रोन निर्माण में ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा था। चीन से ही भारत के अधिकतर ड्रोन की सप्लाई हो रही थी, लेकिन पिछले 3 सालों में ही काफी फर्क देखने को मिला है। 3 सालों के अंदर भारत की ड्रोन इंडस्ट्री 80 करोड़ से 900 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत तैयार कर रहा है अमोघ चिमेरा।
दोस्तों भारत ने एंटी ड्रोन गन भी तैयार की है जिसका नाम है चिमेरा 100। दरअसल दोस्तों इन दिनों चीन भारत में आतंक फैलाने और भारतीय सेना पर अदृश्य ड्रोन्स के जरिए हमला करने के लिए अलग अलग तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए चीन पाकिस्तान को भी ऐसे ही ड्रोन्स दे रहा है जिन्हें गिरा पाना अब तक असंभव था। लेकिन दोस्तों भारत के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक ऐसा हथियार बना दिया जो अमेरिका और चीन से भी ज्यादा ताकतवर है, यानी एंटी ड्रोन गन चिमेरा 100। दुश्मनों के ड्रोन हमले से बचने के लिए भारत ने खतरनाक एंटी ड्रोन गन बनाकर अमेरिका और चीन को भी चकमा दे दिया है। भारत की एंटी ड्रोन गन अमेरिका और चीन से भी ज्यादा ताकतवर है। इसे चिमेरा 100 नाम दिया गया है। भारतीय कंपनी गोदरेज ने इसका निर्माण किया है। हल्की होने की वजह से जवान इसे कहीं भी लेकर आ और जा सकते हैं। चिमेरा 100 से 4 से 5 किलोमीटर दूर इससे ड्रोन और यूएवी को मार गिराया जा सकता है। साथ ही इस गन के जरिए कहीं से भी आने वाले ड्रोन्स का कई किलोमीटर पहले से ही लोकेशन का सटीक पता भी लगाया जा सकता है। सीमा पर होने वाले ड्रोन हमलों से बचाने में भारत की ये एंटी ड्रोन गन सेना के लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों भारत में दुश्मनों के ड्रोन हमलों से बचने के लिए इस तरह के एंटी ड्रोन गन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसके जरिए सीमा पर होने वाले ड्रोन हमलों को रोका जा सकेगा। ये 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ड्रोन की लोकेशन ट्रेस करने के साथ ही उसे मार भी गिरा सकता है। ये अमेरिका और चीन के एंटी ड्रोन से भी ज्यादा क्षमतावान है। चिमेरा एंटी ड्रोन में सामने से आने वाले हर ड्रोन की रेडियो फ्रिक्वेंसी को जाम करने की अद्भुत क्षमता भी है। इसे उड़ाने वाले दुश्मनों को तब सिग्नल नहीं मिल पाता, सिग्नल टूटते ही ड्रोन खुद ही नीचे गिर जाता है। ये ड्रोन की पहचान कई तरीके से करने में सक्षम है। ये पहचानता है कि सामने से आ रहा ड्रोन अनमैंड एरियल व्हीकल है, निगरानी ड्रोन है या फिर हमला करने वाली प्रवृत्ति का है। इसके बाद ड्रोन की क्षमता को निष्क्रिय करके ये नीचे गिरा देता है। बताया जा रहा है कि जल्दी चिमेरा एंटी ड्रोन गन को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर की जाएगी। खैर दोस्तों, भारत के इस कमाल के हथियार पर आपकी क्या राय है और इसे कहां पर सबसे पहले तैनात करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।